हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम के कोई भी फिल्टर कैसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारा वीडियो देखते होंगे, तो उस वीडियो को आपको पता नहीं रहता है कि इसका फिल्टर कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से ये फिल्टर आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम का जो फिल्टर है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो का लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है दोस्तों, वरना आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको साइड में मेरा फोन दिख रहा होगा दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आप कुछ नहीं समझ पाइएगा। तो वीडियो को आराम से देखिएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम का फिल्टर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, आपने इंस्टाग्राम में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, मान लीजिए मुझे कोई सा भी वीडियो डाउनलोड करना है, मतलब कोई सा भी फिल्टर जो है उसे डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं रील्स में चला जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों, आपको कोई भी फिल्टर डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो चॉइस कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे अब इसे मैं डाउनलोड कैसे कर सकता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे दोस्तों एक फिल्टर वाला आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा फिल्टर है वो आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब इस फिल्टर को मैं अपने रील्स में कैसे सेव कर सकता हूँ, ठीक है, इससे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ वो मैं बताऊँगा आप दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे इस फिल्टर को यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं भी इसे यूज करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको राइट में ऐसे दिख रहा होगा दोस्तों, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये जो है आपको ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक होने के बाद दोस्तों, ये है कि आपका जो फिल्टर है वो सेव हो चुका है। अब मैं इससे वीडियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ से सिंपली कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों वापस आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ पे अब आपको देखना है कि कहाँ पे मेरा फिल्टर है और कैसे यूज करेंगे। उसके लिए दोस्तों अपने कैमरे में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो फिल्टर चाहिए था वो मेरे को यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने फिल्टर अभी सेव किया था वो फिल्टर मेरे को आ चुका है दोस्तों, देख सकते हो। अब इसको यूज कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको इसी फिल्टर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा फिल्टर है वो यहाँ पे हो चुका है डाउनलोड, ये जब, या फिर देख सकते हो दोस्तों जो मेरा फिल्टर है वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से आप बड़ी आसानी से कोई भी फिल्टर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।